सो हेलो इवन, बेसिक कंप्यूटर कोर्स का आज सेकंड क्लास है एंड आज इस सेकंड क्लास में आप सबको वेरी वेरी वेलकम। सो गाइस, आज इस सेकंड क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, जो मेनली ज्यादातर कंप्यूटर के साथ यूज किए जाते हैं, वो सभी पार्ट्स के बारे में आज डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को एक सेकंड भी आप स्किप नहीं करना, वरना मिस कर जाओगे कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं एंड वो किस तरह से दिखता है। सो गाइस, मैक्सिमम ऑफ डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जो मेनली कंप्यूटर के साथ यूज किए जाते हैं। तो आज का सेकंड क्लास में हम लोग बस कंप्यूटर रिलेटेड पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सो गाइस, वीडियो को बिना देर किए हम शुरू करते हैं। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड बगल में जो घंटे के आइकन उसे नहीं प्रेस किया तो प्रेस कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सो दैट आने वाले फ्यूचर में एंड आने वाली जो भी अपकमिंग वीडियो है वो लगातार आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड हमारी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सको। सो गाइस, सबसे पहला मैं जो कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो है क्या, ये इसको बोलते हैं हम लोग मॉनिटर। यस गाइस, ये पूरे जो आप देख रहे स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन है, इसको जिसमें हम लोग कुछ भी चीज देखते हैं, कोई भी इमेजेस या फिर फोटोग्राफ या फिर कोई भी वीडियोस या फिर उसमें वर्कआउट जो भी हम लोग करते जिसमें हम लोग देख सकते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं, ये पूरा स्क्रीन को बोलते हैं हम लोग ऐसो मॉनिटर। वंस अगेन गाइस, मॉनिटर। एंड नंबर टू जो सेकंड पार्ट है कंप्यूटर का, वो है ये, देख पा रहे आप, आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा ये, इसमें काफी सारे नंबर्स हैं, काफी सारे बटन्स हैं। तो इसको मैं फिलहाल, ये इसका कीबोर्ड का पैड है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देख पा रहे गाइस, आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देख पा रहे इसमें बहुत सारे बटन्स है, ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिकल नंबर्स है, न्यूमेरिकल नंबर है 0 to 9 तक, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स है बहुत सारे। तो ये सारे बटन्स मिला करके एक इसका नाम दिया गया एंड वो है कीबोर्ड। तो इसको गाइस हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड। एंड इस कीबोर्ड का काम है कुछ भी चीज टाइप करना, अगर कुछ भी हमको लिखने का जरूरत है तो हम लोग इस कीबोर्ड से टाइप करेंगे। सो गाइस, ये डिवाइस का नाम है कीबोर्ड। एंड गाइस, अब हम तीसरे डिवाइस का हम बात करते हैं जो कंप्यूटर का पार्ट्स है, वो पार्ट्स है ये देख पा रहे हैं आप, यूपीएस। यूपीएस मेनली, ये यूपीएस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बिकॉज यूपीएस जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिट पावर सप्लाई। सो गाइस, ये जो सीपीयू है, सीपीयू का सारा प्रोसेस जो है सो उसमें जो लाइट वगैरह जो भी आता है यूपीएस के माध्यम से जाता है। यूपीएस ऐसा क्या है, हमारे सीपीयू को, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है उसको ऐसा लाइट सप्लाई करता है, करंट सप्लाई करता है। सो दैट ये यूपीएस तो काफी ज्यादा काम का है। एंड अब चौथे नंबर का बात करते हैं हम, ये है सीपीयू, बड़ा सा जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये ड्रम जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, इसको ड्रम जैसा समझ सकते हैं, बट इसका नाम है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो गाइस, अपने भाषा में हम लोग दूसरे भाषा में समझ सकते हैं इसको, तो ये पूरा कंप्यूटर का है, दिमाग है गाइस। जैसे हम लोग कुछ भी हम लोग को संचालित करते हैं, हम लोग कुछ भी उसको कंडक्ट करते हैं तो वो हमारा दिमाग है तो हैंडल करता है, उसी तरह से पूरा सीपीयू का जो भी गाइड करता है उसको कंडक्ट करता है, हैंडल करता है, वो है सीपीयू। सो अपने भाषा में आप समझ लो तो सीपीयू का काम है, सीपीयू पूरा कंप्यूटर का दिमाग है, उसका ब्रेन है। तो गाइस, अब अगले पार्ट्स का बारे में बात करते हैं, जो नंबर फिफ्थ पर है, ये पार्ट्स का नाम है माउस। सो गाइस, इसको माउस नाम दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे ये माउस है। सो अपने भाषा में आप समझो तो इसको चूहा बोला जाता है, बट ये चूहा नहीं है, चूहा के जैसा थोड़ा बहुत मैचिंग खाता है, मिलता जुलता है, बट ये क्या है कि ये माउस है। इस माउस से ही हम लोग ऐसे पूरे कंप्यूटर को हम लोग ऑपरेट करते हैं। माउस में देख पा रहे ये कर्सर है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो इस चीज से हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे हम लोग का मोबाइल में ओके का बटन होता है एंड बहुत सारे हम लोग उसमें टच करते हैं, तो उसको हम लोग ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर में ये चीज हम लोग का माउस दिया गया। देख पा रहे नीचे एक ये पैड है, तो पैड के नीचे है तो देख रहे यहाँ लाइट जला होता है। एंड नेक्स्ट है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, माउस में दो बटन्स होते हैं, माउस में देख पा रहे दो बटन्स है, ये लेफ्ट है एंड ये राइट है। सो गाइस, लेफ्ट बटन जो है माउस का, जो लेफ्ट बटन है ये ओके का काम करता है। जनरली हम लोग क्या है कि मोबाइल में कुछ भी हम लोग अगर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करना रहता है, तो उसमें हम लोग ओके का बटन दबाते हैं। सेम उसी तरह से कंप्यूटर में अगर कुछ हम लोग को क्लिक करना रहता है, कोई चीज को ओपन करना रहता है या फिर उसको सेलेक्ट करना रहता है, तो हम लोग ये माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसको प्रेस करते हैं। एंड जो माउस का राइट बटन है, उस राइट बटन का काम है ऑप्शन। सो गाइस, हम लोग को अगर कोई भी चीज का जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल उसको सेव करना है, कॉपी करना है, कोई चीज को पेस्ट करना है, या फिर कोई चीज को वहां से हटाना है, या फिर डिटेल्स में जाना है एटसेट्रा, बहुत सारे मतलब अगर हम लोग कोई भी ऑप्शन का जरूरत है डिटेल्स में उसके जाने के लिए, उस चीज के, उस फाइल्स के बारे में, तो
तो हम लोग माउस का ये राइट बटन हम लोग क्लिक करेंगे तो वो सारी ऑप्शन खुल जाएगी। एंड नंबर थ्री है, माउस में टोटल गाइस 3 बटन होते हैं, पहला लेफ्ट, दूसरा राइट एंड तीसरा ये इसको बोलते हैं, ये गोल पहिया जैसा दिख रहा है, स्क्रॉल आप देख पा रहे हैं। देखिए मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे इसको मैं घुमाऊंगा स्क्रॉल करूंगा तो ये सारे इस तरह से दिखेंगे। तो ये स्क्रॉल बटन है, अगर कुछ भी पेज है, फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं तो अपने फिंगर से अपने उंगली से स्क्रॉल करते हैं अप या डाउन, बट ये क्या है, इसमें क्या है, ये जो चक्का जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन। तो इस स्क्रॉल बटन से जैसे ही हम लोग मूव करेंगे ऊपर या नीचे, देखिए नीचे कर रहे तो ये दिख रहा है, ऊपर कर रहे तो ये जा रहा है। सो गाइस आज का ये डिवाइस में ये माउस का यही काम था। सो गाइस नेक्स्ट जो है कंप्यूटर का पार्ट है वो है साउंड बॉक्स। सो यू गाइस ये साउंड बॉक्स का जो काम है ये क्या है, कोई भी अगर कंप्यूटर में आवाज है तो उसके आवाज को, उस ऑडियो को या फिर उस वीडियो के आवाज को जो ऐसे वो बाहर तक पहुंचाता है। सो गाइस वो आवाज है तो ध्वनि निकालने में मदद करता है, हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट जो डिवाइस है उसका नाम है स्कैनर। सो गाइस स्कैनर क्या होता है, अगर कोई भी आपको पेपर का जरूरत है तो उस पेपर का जरूरत है तो उसको स्कैन करने की जरूरत है, आपको इम्पोर्ट करना अपने डिवाइस में, तो हम लोग कोई भी पेपर को लगाते हैं उसमें एंड उस चीज को फिर हम लोग वहां डाल करके फिर स्कैन करते हैं। एंड नेक्स्ट गाइस है प्रिंटर। तो नेक्स्ट डिवाइस जो प्रिंटर है, इसका काम होता है कोई भी पेपर हो, डॉक्यूमेंट हो, फोटो हो, इमेजेस हो, कुछ भी वैसा डॉक्यूमेंट है तो उसको प्रिंट करने का काम आता है प्रिंटर। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो एंड और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड बगल में जो घंटी आइकन उसे प्रेस करो सो दैट कोई भी वीडियो हमारा मिस ना कर सको। टिल द टाइम जस्ट बी मोटिवेटेड एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।